तो आइए चलिए जानते हैं कौन सी है वो ट्रिक जिससे हम आसानी से मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं एमएस वर्ड में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एमएस वर्ड का विंडो खुला हुआ है। अब हमें करना कुछ नहीं, सिंपल स्टार्ट बटन पे जाइए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन लिखना हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां पर सर्च ऑप्शन में आपको लिखना है मैथ्स, MATH। और जैसे ही आप मैथ देखेंगे, देखिए मैथ इनपुट पैनल बन के आ गया, ठीक है। नीचे ही मैथ इनपुट पैनल बन के आ रहा है, इसको इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आपने मैथ इनपुट पैनल पर क्लिक किया, कुछ इस प्रकार का पैनल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। और ये बहुत ही आसान है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जैसे आप पेन और पेंसिल से अपने पेपर पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर आपको माउस की हेल्प से वो चीज ड्रॉ करनी है। मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला है तो आप उसको माउस की हेल्प से यहाँ ड्रॉ करिए और आराम से आप उसको यहाँ पर इंसर्ट कर पाएंगे अपने एमएस वर्ल्ड के पेज पे। आइए जानते हैं कैसे। पहले एक्स लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एक्स लिखा, ठीक है। जो भी आप लिखेंगे ऊपर यहां बनता जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू का साइन लगाया, ठीक है। उसके बाद एक रूट का साइन बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर लिख दिया वाई, ठीक है। वाई के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद एक माइनस का साइन बनाया, उसके बाद जेड लगा दिया, जेड का साइन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो भी आप यहां लिखते जा रहे हैं ऊपर यहां पे टाइप होता जा रहा है। अगर मान लीजिए कुछ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे नीचे एक अंडरलाइन बनाई, उसके बाद नीचे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैंने एक्स स्क्वायर लिखा तो यहां पर एन स्क्वायर दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सही करना है, सिंपली यहां सेलेक्ट एंड करेक्ट पर जाइए, इस पर क्लिक करिए और इस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब इस वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको लग रहा है कि गलत आया है, ठीक है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन दे देगा। फॉर एग्जांपल हम एन स्क्वायर में पहले चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप एन स्क्वायर पे यहां पर अपना कर्सर ले जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखा देगा, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम एक्स स्क्वायर यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहां पर देखिए ऊपर ये एक्स स्क्वायर बन के आ गया। तो अब हमारा फॉर्मूला देखिए रेडी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस जेड अबव बेस लाइन नीचे, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हमें इंसर्ट करना, यानी कि एमएस वर्ड के पेज पर ले जाना है। तो देखिए नीचे इंसर्ट का ऑप्शन है, इसमें और भी कई सारे ऑप्शन है, राइट, इरेज, अंडू, क्लियर, इवन बाय वन करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, इंसर्ट। जब आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा तो यहां पर इंसर्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां पर आपका फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है।